स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुगंध, और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉप नाइन। जी हां दोस्तों, मैं जानती हूं आप सभी इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई, इंतजार हो भी क्यों ना, बॉलीवुड से जुड़ी टॉप नाइन मजेदार हॉट स्पाइसी गॉसिप जो आप सभी को जानने को मिलती है। ये वो खबरें हैं जो इस टाइम टॉप नाइन पोजीशन पर अपनी एक खास जगह बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो खबरें जो इस टाइम काफी ज्यादा चर्चा में है, जिनके हर जगह चर्चे हो रहे हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की टॉप नाइन मजेदार हॉट स्पाइसी खबरों पर। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन यानी कि मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की सगाई श्लोका मेहता से हो चुकी है, और इस खास मौके पर पूरा बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। बता दें, सगाई पार्टी में ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ था। लेकिन आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की। जी हाँ, आपको बता दें इस खास मौके पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा भी शामिल हुए थे। अब परिणीति चोपड़ा अपनी ड्रेस से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। परिणीति कदम कदम पर अपनी ड्रेस संभालती हुई दिखाई दी। साफ है कि वो इस ड्रेस में काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। बता दें, परिणीति चोपड़ा ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में नजर आई, तो वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ब्राउनिश आउटफिट में नजर आए थे। लेकिन परिणीति अपनी ड्रेस से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और उन्हें परेशान देख सिद्धार्थ मल्होत्रा ने परिणीति चोपड़ा की मदद की। जी हाँ, दरअसल सरेआम सिद्धार्थ मल्होत्रा परिणीति चोपड़ा के पीछे से कपड़े ठीक कर रहे थे, और इन दोनों का ये उप्स मूवमेंट सबके सामने कैप्चर हो गया। जिस तरीके से परिणीति अपने कपड़े सिद्धार्थ से ठीक करवा रही थी, वो वाकई काफी ही ज्यादा चौंकाने वाला था। सबके सामने सिद्धार्थ परिणीति चोपड़ा के पीछे की साइड से कपड़े ठीक करते हुए दिखाई दे रहे थे, और वहां मौजूद लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं इन दोनों को इस तरह देखने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन दिनों द बैंड टूर को लेकर खूब चर्चा में है। सलमान के साथ इस टूर का हिस्सा उनके खास दोस्त जैकलिन फर्नांडिस और कैटरीना कैफ भी है। इन दोनों के साथ डेजी शाह और सोनाक्षी सिन्हा भी सलमान खान के साथ द बैंड टूर पर गए हुए हैं। लेकिन हाल ही में खबर सामने आई कि सलमान खान द बैंड टूर पर जैकलिन फर्नांडिस और कैटरीना कैफ की लड़ाई खत्म करवाने में लगे हुए हैं। जी हां, अब जाहिर है जहां कैटरीना होंगी वहां सलमान उनके अलावा किसी और को भाव तो देते नहीं है। ऐसी खबरें थी कि कैटरीना के ऊपर सलमान की एक्स्ट्रा मेहरबानी से उनके साथ द बैंड टूर पर गई सोनाक्षी, डेजी और जैकलिन को काफी ज्यादा परेशानी हुई थी। जैकलिन के साथ तो कैटरीना की टेंशन इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ सेम होटल में रहने से भी मना कर दिया था, और अब उनके कोल्ड बार के साथ ये तीनों हीरोइन साथ में नजर आई हैं। और अगर खबरों की माने तो भाई सलमान ने ही इन दोनों की लड़ाई खत्म करवा दी है, और इसका सबूत जैकलिन द्वारा शेयर की गई फोटो है। दरअसल जैकलिन ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, जैकलिन फर्नांडिस और कैटरीना कैफ तीनों एक ही साथ एक ही फ्रेम में दिखाई दे रही थी, और साथ में पोज भी देती हुई नजर आई। और फोटो से भाई ये तो साबित हो गया है कि सलमान ने कैटरीना कैफ और जैकलिन फर्नांडिस की लड़ाई को खत्म करवा ही दिया है। दुनिया के सबसे मशहूर बिजनेसमैन यानी कि मुकेश अंबानी के बेटे
आकाश अंबानी ने हाल ही में श्लोका मेहता से सगाई की और इस खास मौके पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन हाल ही में सगाई की एक वीडियो इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ईशा अंबानी और आकाश अंबानी काफी इमोशनल हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, मुकेश अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी काफी इमोशनल नजर आ रहे थे। वीडियो में सिंगर शंकर महादेवन और हर्षदीप कौर फिल्म राजी का दिलबरो गाना गाते हुए नजर आ रहे थे और इस गाने पर डांस करते करते पिता और बेटी यानी कि मुकेश अंबानी और ईशा अंबानी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे थे। बता दें, वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और मुकेश अंबानी और बेटी ईशा जिस तरह से इमोशनल हुए वो काफी ही ज्यादा भावुक कर देने वाला था। देश के जाने माने बिजनेसमैन यानी कि मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की सगाई हुई है, जिसमें पूरा बॉलीवुड शामिल होने पहुंचा था और इस खास मौके पर बॉलीवुड के सारे सितारों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें सारे सितारे मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं और आकाश अंबानी की सगाई को काफी ही ज्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। जी हां दोस्तों, इस पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जिसमें एक ऐसा वीडियो है जिसमें पूरा बॉलीवुड एक साथ डांस परफॉर्मेंस दे रहा है। बता दें, बॉलीवुड के सभी स्टार्स एक साथ ग्रुप डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड एक साथ एक ही स्टेज पर डांस करता हुआ दिखाई दिया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर दिशा पाटनी जितनी अपनी फिल्मों के लिए खबरों में रहती है, उतना ही अपने अफेयर को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहती है और इन दिनों दिशा पाटनी इन दोनों के अलावा अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। आए दिन दिशा पाटनी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं और एक बार फिर से दिशा पाटनी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दिशा पाटनी खतरनाक स्टंट करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, बता दें, हाल ही में दिशा पाटनी अपने ताजा वीडियो में फ्रंट फ्लिप मार रही है। वो अपने कोच के साथ में और कमाल के फ्लिप मारती हुई दिखाई दे रही है। वो इस तरीके से कूदी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। दिशा ने ये साफ कर दिया है कि एक्शन के मामले में वो अपने बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ से कुछ कम नहीं है। दिशा ने ये प्रूफ कर दिया है कि लड़कियां भी एक्शन करना बखूबी जानती है। लेकिन वही अगर बात की जाए दिशा पाटनी के फिल्मी करियर की, तो भाई आपको बता दे, दिशा पाटनी की किस्मत खुल चुकी है। दरअसल दिशा पाटनी अब सलमान खान के साथ फिल्म भारत में नजर आने वाली है। हालांकि अभी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन पिछले दिनों ये कंफर्म हो चुका है कि सलमान खान के साथ फिल्म भारत में दिशा पाटनी और प्रियंका चोपड़ा एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में अपने फैंस को एक गिफ्ट दिया था। दरअसल ऐश्वर्या के फैंस काफी वक्त से ऐश्वर्या राय का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मिस कर रहे थे और ऐश्वर्या ने अपने फैंस को इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाकर काफी ज्यादा खुश कर दिया था और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की शुरुआत अपनी बेटी आराध्या और अपनी एक साथ में काफी क्यूट फोटो फैंस के साथ शेयर करके की थी और वो पिक्चर ऐश्वर्या के पति यानी कि अभिषेक बच्चन ने क्लिक की थी। लेकिन जब से ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया है, तभी से वो सिर्फ परिवार वालों के साथ ही फोटो शेयर कर रही है। ज्यादातर उनकी फोटोज बेटी आराध्या के साथ ही होती है और इससे साफ पता चलता है कि भाई ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के कितना करीब है और उनसे कितना ज्यादा प्यार करती है और दोनों माँ बेटे की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी भी दिखाई देती है। और हाल ही में ऐश्वर्या की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें वो अपनी बेटी आराध्या के साथ दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें कांस फिल्म फेस्टिवल की है जिसमें ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या को बहुत ही प्यार से किस करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि ऐश्वर्या ने बेटी के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल की तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों माँ बेटी बेहद खूबसूरत और इन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी। ऐश्वर्या राय के लिए काम से पहले बेटी के लिए प्यार साफ दिख रहा है।
हमारी टॉप 9 मजेदार हॉट स्पाइसी खबरें जो इस टाइम सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाई हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो खबरें जो इस टाइम टॉप 9 पोजीशन पर अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं। लेकिन फिलहाल तो वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की और भी कुछ मजेदार हॉट स्पाइसी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।